मैं अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि अपने निदेशक महोदय को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें और आप थोड़ा कष्ट जरूर दें अपने हाथों को। हिस्वा के प्रांगण में उपस्थित मार्गंड शैक्षणिक समूह के विभिन्न संस्थान के प्राचार्यगण, मार्गंड इंटरनेशनल स्कूल हिस्वा के प्राचार्य मिखाइल चौधरी जी यहाँ पे आए हुए, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावक और प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि आज विद्यालय का ये पांचवा वार्षिक उत्सव है। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिस्वा की स्थापना 19 में हुई थी, बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से दुनिया के सभी शिक्षण संस्थान, जितनी गतिविधियां थी 2-3 साल तक डिस्टर्ब रहा, परंतु मॉडर्न आज के समय में मॉडर्न ग्रुप की जो भी संस्थाएं हैं, अब यह संस्था मॉडर्न ग्रुप केवल हिस्वा और नवादा तक सीमित नहीं रहा। जानने वालों को पता है कि यह संस्थान अब कम से कम, यह तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अब कंट्री वाइज हो गया है। हम खासकर बिहार झारखंड में शिक्षा जगत में जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, मॉडर्न शैक्षणिक समूह के इन संस्थानों को सभी लोग जानते हैं। आज हिस्वा धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आप देखते हैं वैसे अब इस विद्यालय के पीछे से ही रेलवे लाइन अब हिस्वा जंक्शन बनने जा रहा है। धीरे धीरे नवादा जिला भी अपनी ऊंचाई को पा रहा है। वैसे में हिस्वा के शैक्षणिक माहौल को स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूत करने में मॉडर्न ग्रुप के इस संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है और आगे भी रहेगी। आज हिस्वा में धीरे धीरे और स्कूल वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि अब मॉडर्न अगर हिस्वा में आया है तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई की बात हो, अनुशासन की बात हो, खेल की बात हो, हम शॉर्ट में कहें बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हो, जिसकी जरूरत बच्चों को होती है। आजकल हर पढ़ा लिखा, हर समझदार अभिभावक समझते हैं, हर जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे अभिभावक और माता पिता हैं, सभी की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा, मैं कुछ किया या ना किया या जितना भी किया, हमारा बच्चा जरूर अच्छा करे, पढ़ लिख कर जिंदगी में सफलता जरूर पाए। उसके लिए बच्चों को हमें बचपन से अच्छा विद्यालय की जरूरत होती है और वह विद्यालय खोज कर देनी पड़ती है। विद्यालय का काम है कि बच्चों को हर फील्ड में आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे छोटे छोटे जो घूम रहे हैं, बैठे हैं, इन्हीं में से दुनिया के हर फील्ड में जाने वाले लोग, जो भविष्य है वो खड़ा है। इसमें से बड़ा होकर कोई महान वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई समाज सेवी, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी, कोई बहुत अच्छा नेता बनेगा। विद्यालय और विद्यालय के शिक्षकों का काम है कि बच्चों को निखारें। उसमें आप अभिभावकों का बहुत बड़ी भूमिका है। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक हैं। केवल मम्मी पापा जो आप बैठे हो, केवल मम्मी पापा नहीं हैं, आप मम्मी पापा इन बच्चों के फर्स्ट टीचर हो। हम लोग तो उसके बाद हुए। एक माँ को पता होता है बच्चों को बड़ा करने में क्या क्या दर्द झेलनी पड़ती है, इसीलिए माताएं कभी अपने बच्चों को दिल से पीट नहीं पाती, तमाचा नहीं लगा पाती। उनको पता होता है बच्चों को बड़ा करने में कितना दर्द उनका छुपा होता है। हम सभी शिक्षक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़े, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे फिर अन्य प्रकार की कोई भी गतिविधि, वैसी एक्टिविटी जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हम सभी विद्यालय परिवार कोई कष्ट